बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तारीख को वोटिंग हो रही है, किस तारीख को नतीजे आने वाले हैं और आपको किस दिन वोट करना है। सबसे पहले पहला चरण 19 अप्रैल को है, याद रखिएगा तारीख 19 अप्रैल, 12 सीटों पर चुनाव है। फिर अगली तारीख है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को कहां कहां पर वोटिंग है आपको फिर से बता देते हैं, समझा देते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारा। इसके बाद जो देश के अलग अलग जगह हैं वहां पर 7 मई को तीसरे चरण में, फिर आते हैं 13 मई को चौथे चरण में, फिर आते हैं पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और सातवें चरण में मतदान 1 जून को होगा। और 1 जून के ठीक बाद यानी कि ये 4 जून की तारीख है, ये वो तारीख है जब नतीजे सामने आएंगे और 4 जून की तारीख को पता लग जाएगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, केंद्र में कौन बैठने जा रहा है, राजस्थान की 25 सीटों पर किसकी जीत होने जा रही है और लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जोधपुर से मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे राकेश का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, आज से 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू होने जा रहे हैं, नामांकन को लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, प्रत्याशी क्या तैयार हैं नामांकन के लिए? जी, अगर बात करें तो नामांकन के लिए जो दूसरा चरण का दौर आज से शुरू हो रहा है, निश्चित तौर से जो ये दौर शुरू हो रहा है तो इसमें नामांकन को लेकर भी उत्साह नजर आएगा। हालांकि कल तक कुछ लोग जो है वो नामांकन आवेदन यहाँ से खरीद कर ले गए। नामांकन प्रस्तुत करने का आज जो समय अगर बात करें तो 28 तारीख से जो नामांकन प्रक्रिया दूसरे दौर की शुरू हो रही है, इस नामांकन के साथ ही अगर बात करें तो ये प्रक्रिया जो है अभी तक 4 तारीख तक चलेगी। तो निश्चित तौर से इसमें जो 2 दिन अवकाश भी रखा गया है, 31 मार्च और 1 अप्रैल को, 2 दिन का अवकाश होने के चलते 4 अप्रैल जो है वो इनके नामांकन की अंतिम तिथि होगी, उसके बाद 5 तारीख को नामांकन की स्क्रूटनिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख तक जो है वो नामांकन वापसी का दौर हो सकता है। हम जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में भी जा रहे हैं, कहीं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या ये प्रोसीजर है नामांकन का 33 तारीख तक? जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जो द्वितीय चरण का मतदान है जोधपुर, उसके अंदर आता है जोधपुर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे 26 अप्रैल को मतदान होगा और आज से 4 अप्रैल तक पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के बाकी दिन 11 बजे से 3 बजे तक जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो लिए जाएंगे और इसके लिए जो अधिसूचना होती है वो सारी की सारी वो जारी कर दी गई है, बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगा दी गई है तथा साथ ही जितने भी हमारे जो ERO ऑफिसेज होते हैं, पंचायत समितिज होती हैं, निगम कार्यालय हो गए, इन सबके नोटिस बोर्डों पर भी चस्पा कर दी गई है। 31 और 1 तारीख, इन 2 तारीखों का अवकाश रहेगा, बाकी सारी तारीखों पे 11 से 3 बजे तक लिए जाएंगे। उसके बाद में 8 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉल का चांस रहेगा और उसके बाद में फिर कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होगी तथा फिर बैलेट्स वगैरह और ये सब की प्रिंटिंग चालू होगी। सुरक्षा के लिहाज से जो ये निर्वाचन में किया गया 500 मीटर की दूरी पर वाहनों को अनुमति दी है, 3-4 लोगों के अंदर आएंगे। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है बेसिकली ये कि जहाँ पे RO कार्यालय होता है, जहाँ पे नॉमिनेशंस लिए जाते हैं, उसके लगभग 100 मीटर के घेरे बाहर एक घेरा लगाया जाता है जहाँ पे जो भी मान लीजिए कोई जुलूस इत्यादि किसी के साथ भी आता है वहाँ पे उसको रोका जाता है उनको, और उसके बाद में 3 वाहन अंदर आने के पेरीमीटर के अंदर आने की परमिशन होती है तथा साथ ही जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आते हैं तो कैंडिडेट और उनके साथ में 4 अन्य लोग आपके अंदर अनुमत होते हैं तथा साथ ही जो नॉमिनेशन होता है कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी होती है तो उसमें कैंडिडेट का नाम कोई एक प्रपोजर आवश्यक होता है जो कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हो तथा यदि वो निर्दलीय हैं या फिर मान लीजिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नहीं है तो 10 प्रपोजरों की फॉर्म के अंदर आवश्यकता होती है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि निश्चित तौर से जो चुनाव की जारी प्रक्रियाएं हैं जो वो शुरू कर चुके हैं, निश्चित तौर से पूरी प्रक्रिया सिस्टम है वो पूरा चलेगा और आज से नामांकन का दौर जो शुरू हो गया है, जो ये नामांकन पूरा है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद 2 दिन जो है वो हॉलीडे होने की वजह से उसके बाद 5 तारीख को जो है स्क्रूटनिंग रखी जाएगी, फिर 8 तारीख तक जो है नामांकन विड्रॉल का जो काम हो वो होगा, उसके बाद ही जो जितने भी कैंडिडेट्स जो पीछे बचेंगे वो उनको जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो 26 अप्रैल को जो है वो द्वितीय चरण का जो है वो मतदान होगा और द्वितीय चरण के मतदान के साथ ही फिर 4 जून को जो है मतगणना होगी। राकेश, अपने आसपास तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां कैसे प्रत्याशी आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, किस रूम में उन्हें जाना है
और कितनी देर की ये पूरी प्रक्रिया होगी, एक बार पूरी प्रोसेस समझाइए कि अगर कोई प्रत्याशी आता है, फॉर एग्जांपल कोई निर्दलीय आता है, तो उसको थोड़ी आसानी हो अपना नामांकन भरने में। जी, अगर बात करें नामांकन भरने की, तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय में कैमरे सहयोगियों को बताएंगे, यहाँ जो है वो नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है निर्धारित, उस समय में जो है वो नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा। निर्दलीय के लिए इस बार जैसे अभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया है, कैमरे सहयोगी को निवेदन भी करूंगा कि वो पीछे चले और बताए कि किस रास्तों से क्या आना ही। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आपको बता दूँ ये जो है वो कलेक्ट्रेट में आने का जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए, तो जितने भी नामांकन के लिए कोई आएगा उम्मीदवार, तो वो इस बैरिकेड्स के बाहर उसकी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। 100 मीटर जो दायरा है वो बना दिया गया है, 100 मीटर दायरे में से बाहर उनके वाहन खड़े किए जाएंगे और अंदर 3 वाहनों को ही अनुमति दी गई है अंदर ला सकता है कैंडिडेट अपने अलावा। उसके अलावा अगर बात करें तो कैंडिडेट के साथ वो सिर्फ कैंडिडेट और उसके अलावा 4 जो अन्य लोग साथ आ सकते हैं, और इसमें बड़ी बात है कि वो 4 लोग उनके साथ आएंगे। इसके अलावा नेशनल